Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you willing to. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ willing to के बारे में. तो देखते हैं इसका मतलब होता क्या है. दोस्तों, willing to का मतलब है, जैसे मान लो आपके मन में कुछ भी करने की इच्छा है, कुछ भी करने की चाहत है, आपका मन है, यानी अंदर से किसी काम को करने की आपको इच्छा है. तो यहाँ पे गाइज आपको यूज करना है willing to का. इसके जगह पे गाइज बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे longing to, feel like. लेकिन दोस्तों, इच्छा को शो करने के लिए willing to का भी यूज किया जाता है. यहाँ तक क्लियर है? अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का प्रेजेंट टाइम में. यदि सब्जेक्ट आपका ही शी इट और सिंगुलर हो तो आपको यूज करना है इज, और यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई के साथ एम, और यदि सब्जेक्ट आपका यू वी दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है आर का प्रेजेंट टाइम में. यदि गाइस आपको पास्ट में यूज करना हो तो आपको यूज करना है वाज या वर का. यदि सब्जेक्ट आपका आई ही शी इट और सिंगुलर हो तो आपको यूज करना है वाज, और यदि सब्जेक्ट आपका यू वी दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है वर का पास्ट टाइम में. यदि आपको किसी काम को करने के लिए कुछ टाइम से इच्छा हो रही है, लंबे समय से इच्छा हो रही है, तो आपको यूज करना है हैव बीन और हैज बीन. यदि सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है हैव बीन, और यदि सब्जेक्ट आपका ही शी इट और सिंगुलर हो तो आपको यूज करना हैज बीन प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर. अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है, मुझे तुमसे बात करने की इच्छा थी. कब? पास्ट टाइम में. तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मुझे, यानी आई. इसके बाद आपको यूज करना है वाज या वर. क्यों? क्योंकि गाइस ये सेंटेंस है आपका पास्ट का, और पास्ट में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर. तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ वाज. इसके बाद यूज करना है विलिंग टू. विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब है बात करना, यानी टॉक. किससे बात करना? तुमसे. टॉक टू यू. मुझे तुमसे बात करने की इच्छा थी. आई वॉज विलिंग टू टॉक टू यू. अगला सेंटेंस है, उसे दो दिनों से पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है, यानी लंबे समय से. इस सेंटेंस में गाइस आपका टाइमिंग दिया हुआ है, उसे दो दिनों से पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है. तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है उसे, यानी ही. इसके बाद आपको यूज करना है बीन या हैज बीन. तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको यूज करना हैज बीन. हैज बीन. इसके बाद यूज करना है विलिंग टू. विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब है पिज्जा खाना. इट पिज्जा. दो दिनों से. फॉर टू डेज. उसे दो दिनों से पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है. ही हैज बीन विलिंग टू इट पिज्जा फॉर टू डेज. अगला सेंटेंस है, उसकी वाइफ को चाय पीने की इच्छा है. कब? प्रेजेंट टाइम में. तो सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है उसकी वाइफ, यानी हिज वाइफ. इसके बाद आपको यूज करना है प्रेजेंट टाइम में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब. तो आपका सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इज. इसके बाद आपको यूज करना है विलिंग टू. विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब है चाय पीना, यानी टेक टी. उसकी वाइफ को चाय पीने की इच्छा है. हिज वाइफ इज विलिंग टू टेक टी. अगला सेंटेंस है, मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं है. तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मुझे, यानी आई. इसके बाद आपको यूज करना है प्रेजेंट टाइम में इज एम आर. तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ एम. इसके बाद आपको यूज कर देना है नॉट, क्योंकि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है. तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है नॉट. यदि आपको पास्ट में यूज करना है तो इसके बाद होगा नॉट.
यदि आपको यहाँ पे यूज करना है तो हैव के बाद नॉट, हैज के बाद नॉट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट। इसके बाद आपको यूज करना है विलिंग टू, विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाना बनाना यानी कुक फूड। मुझे खाना बनाने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू कुक फूड। अगला सेंटेंस है, आपके डॉटर को सुबह से बाजार जाने की इच्छा हो रही है लंबे समय से, यानी इस सेंटेंस में आपका टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपकी डॉटर यानी योर डॉटर। इसके बाद आपको यूज करना है हैव बीन या हैज बीन। तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ हैज बीन, हैज बीन प्लस विलिंग टू, विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बाजार जाना गो टू मार्केट। सुबह से सिंस मॉर्निंग, आपकी डॉटर को सुबह से बाजार जाने की इच्छा हो रही है, योर डॉटर हैज बीन विलिंग टू गो टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, क्या आपको वहां जाने की इच्छा है। यहाँ पे गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको वहां जाने की इच्छा है। तो सबसे पहले गाइस क्वेश्चन पूछने में हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाता है बाहर, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टाइम का, और प्रेजेंट टाइम में आपको यूज करना है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है यू और यू के साथ आर। इसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट यानी यू, इसके बाद विलिंग टू, विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है वहां जाना गो देयर। क्या आपको वहां जाने की इच्छा है, आर यू विलिंग टू गो देयर। ये हो गया गाइस आपका विलिंग टू का यूज। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।